हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ ग्रीन चटनी रेसिपी, जो कि ज़्यादातर सैंडविच में खाया जाता है और आप इसे परोठा, कचौरी किसी के भी साथ ले सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो एंड तक देखिए। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। धनिया पुदीने की चटनी बनाने के लिए मैंने 1 कप हरा धनिया लिया है और धनिया को मैंने पहले ही साफ कर लिया था। तो अब मिक्सी जार में धनिया को डाल देना है और मैंने 1/2 कप से थोड़ा सा कम पुदीना लिया है, आप 1/2 कप भी पुदीना ले सकते हैं। और 2 ग्रीन चिली मैंने लिया है, जो कि आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 4 लहसुन की कलियाँ, 1 टेबल स्पून रोस्टेड चना, 1 टीस्पून शुगर लिया है और 1/2 नींबू का रस ऐड करना है और इन सारे चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है अच्छे से। और मैंने ब्लैक सॉल्ट लिया है 1/4 टीस्पून और नॉर्मल सॉल्ट 1/4 टीस्पून, ये आप स्वाद के अनुसार आप ले सकते हैं। और 2 टेबल स्पून मैं फ्रिज का पानी यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो आइस क्यूब भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें आप थोड़ा सा सेव भी, बेसन का जो सेव होता है ना, वो भी आप ऐड कर सकते हो। ठंडा पानी यूज करने से ना इस चटनी काला नहीं पड़ता है और बेसन का सेव यूज करने से ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। फिर से मैंने 1 टेबल स्पून पानी ऐड किया है। चटनी को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और मैं खोल के आप लोगों को दिखाती हूँ इसका थिकनेस कैसा है। और इसमें जब आप पानी डालिए तब थोड़ा सा ध्यान रख के पानी डालिए, ज़्यादा पतला ना हो जाए इसीलिए। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी बनी है चटनी। और इसमें आप बूंदी भी ऐड कर सकते हैं, जो बेसन का बूंदी है या बेसन का सेव, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप चाहे तो मूँगफली भी चना के बदले यूज कर सकते हैं। इस चटनी को आप सैंडविच, कचौरी या परोठा किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। और मेरी वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ और एक नई रेसिपी के साथ।